मान नहीं, मान को गिरा दो। जितना मान है उतना मन बेईमान है। मान नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा मान करे किसी के घर जाओ तो 9-2-11 हो जाना, ज्यादा मान करे कहीं कहीं फंसा रहे। मान कैसा दुखदाई है, मान मीठी छुरी है। मान बड़ाई ईर्ष्या, बड़ाई आपकी कोई बड़ाई करे, अरे शाह आप भाई जी आप तो इतनी बढ़िया सेवा करो, साक्षात लक्ष्मी जी हो, मैं अपन में कागली रही गुण को नहीं। अपन यू समझना कि हाल अपन में कोई गुण नहीं है। जीव जीव बड़ाई करेला, जीव जीव वा भाई गिरेला, आगे नहीं बढ़ेला। नहीं, मैं अगर सेवा करूं तो महाराज या कोई भी भाई, तो मेरा कर्तव्य है, जो कर्तव्य तो हमें करना ही है। रात में सिपाही घूमते हैं, अगर सिपाही की कोई महिमा करे, वाह भाई वाह क्या सिपाही है, रात में नींद भी नहीं आवे। और वो सिपाही कहे कि ज्यादा आप महिमा मत करो, ये तो हमारी ड्यूटी है। वाह भाई वाह, आप तो इतना दान करो कि आप तो गौशाला में बहुत दान करो, तो आप वहां कहो कि ये हमारा कर्तव्य है, ये सब कृपा सदगुरु की है, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। जो मानवड़ाई में नहीं पड़े, जो निंदा में नहीं पड़े, कोई दूसरों की आलोचना में नहीं पड़े, तो भक्ति कर सके। नहीं तो एक खड्डा है, इन खड्डों में पड़ियो पचे भक्ति नहीं होया करे। मान बड़ाई ईर्ष्या, एक दूजा ईर्ष्या, चौथी निंदा ने, चौथी निंदा, दूसरों की निंदा मत करो, निंदक नहीं रे राखी आंगन कुटी छवाई। आगे कह के याद, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करें स्वभाव। घना दिन दिया पढ़िया ने किताबों में जी हैं, फेंक दी टाबर पढ़े। कबीर साहब के दोहे किताबों में लिखे हुए हैं, निंदक को जो निंदा करने वाले उनको पास में रखो, न्यारे रखो, दूर मत रखो। अपना स्वभाव है कोई अपनी निंदा करे तो उनको अपन कह देते हैं थारो तो मुंडो ही नहीं देखू मैं, मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो निंदा करते अच्छा है ना, अपने धोबी है, अपना कपड़ा धोवे नहीं बेचारा है। आप निंदक को धोबी समझना, निंदक को धोबी समझना, आपके पाप धो रहे हैं। इसलिए जो भी निंदा करे उनसे दुराव मत करो, अलगाव मत करो, ये कबीर साहब के वचन आए। कबीर साहब के वचन, ये जब पृथ्वी, ये पृथ्वी अरबों खरबों साल पहले ये पृथ्वी रखी थी, और ये पृथ्वी जब तक चलेगी, जब तक कबीर साहब के वचन को कोई नहीं काटने वाला है, ये कबीर साहब के वचन अटल है। एक बात सुनना, भगवान में महापुरुष, महापुरुष की, महापुरुष होने की भावना है। उनका ज्ञान तीन लोक में चलता है, परंतु कबीर साहब का ज्ञान का कोई पार ही नहीं है, यह आप देख सकते हैं। अगर कृष्ण भगवान की जगह कबीर साहब होते, देखिए कबीर साहब मगर में गए, और मगर में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, महाभारत तो वहां भी हुआ, पर कबीर साहब ने कैसा परिचय दिया, अब आपको सुनकर के बड़ी हैरानगी होगी। जिन लोगों ने ये कहा कि कबीर तो कवि हैं, कबीर तो भगत हैं, और कबीर तो कैलाश जी का अवतार है, ऐसा ऐसा कह दिया, ना समझ लोग थे,
अरे जिन कबीर साहब को बिल्कुल छोटा समझते थे, जुलावा समझते थे, और वो कबीर साहब जब मगर में गए तो वीर सिंह देव राजा सेना लेके आया और बिजली खां पठान भी सेना लेके आया। लड़ाई मौजूद थी, और लड़ाई इस बात की थी कि दोनों के गुरु एक हैं, कबीर साहब हिंदू मुस्लिम के। तो मुस्लिम ये चाहते थे कि कबीर साहब हमारे पीर हैं, पीर का मतलब ही गुरु होता है, और हिंदू कहते थे, राजा कहते थे कि कबीर साहब हमारे सदगुरु हैं। इसलिए कबीर साहब मगर में शरीर छोड़ने का टाइम निश्चित बता दिया कि 11 के दिन मैं इस संसार से रवाना हो जाऊंगा। अपने शिष्य को पहले बताया, मैं शिष्य वहां इकट्ठे हो गए, देश देश राज्य राजा, अनेक राज्यों के राजा और नवाब, हिंदू मुस्लिम जितने भी शिष्य थे कबीर साहब के, जो पहुंच पाए वो सारे मगर गए गोरखपुर के आगे 20 किलोमीटर। इसलिए गए कि गुरु जी का अंतिम दर्शन करेंगे। तो गुरु जी ने पहले ही कह दिया कि आपको 120 साल तक मैंने ज्ञान सुनाया, अब मैं इस स्वरूप से नहीं मिलूंगा, ये मेरा अंतिम दर्शन है। कबीर साहब ने पहले बताया, तो उनके शिष्य अनुयायी फॉलोवर्स वहां सब पहुंच गए। अब देखो, ध्यान दो, ऐसा पुरुष संसार में कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, होने की संभावना नहीं। वहां पर जो पहुंचे थे तो सबकी तैयारी थी, हिंदुओं की तैयारी थी, सेना लेकर राजा पहुंचे। वीर सिंह देव राजा काशी के राजा थे, वो अपनी पूरी सेना बादलों की तरह चढ़े, उतनी सेना लेकर के मगर में पहुंचे, और बिजली खां पठान ने अपने मुस्लिम भाइयों को बोला कि अपने पीर हैं, इसलिए जो शरीर है साहेब का वो शरीर की लड़ाई करेंगे, अपने गुरु हैं, इसलिए अपनी अपने धर्म अनुसार अपन कबीर साहेब को दफनाएंगे। और हिंदू लोग बोले कि भाई कबीर साहेब को अपने धर्म के अनुसार जलाएंगे, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? वह लड़ाई हो रही है शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए। देखिए, कबीर साहब को जो लोग कहते थे कि कबीर साहब तो स्कूल में नहीं पढ़े, कबीर साहब तो अनपढ़ थे, कबीर साहब तो एक अच्छे कवि थे, भगत थे, जो भी थे, नहीं पहचाना कबीर साहब को दुनिया ने, इसलिए क्या क्या बोलते रहे। पर कबीर साहब ने कैसा सिला वहां पर दिया कि एक झोपड़ी में कबीर साहब को, कबीर साहब ने कहा कि एक झोपड़ी में मेरा आसन लगाओ, और कबीर साहब का आसन लगाए। तो दोनों राजा, राजाओं की सेना को घेरा लगा दिया कबीर साहब के। भाई साहब का शरीर छूटेगा तो लड़ाई तो शरीर की है ना। तो दोनों सेना लग गई झोपड़ी के बाहर। अब कबीर साहब बाहर जा नहीं सकते। कबीर साहब बोले कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं आना, बाहर बाहर तुम लोग रहो। अब हमारे गुप्त होने का समय आ गया। दोनों राजा आमने सामने और प्रणाम कर लिए लोगों ने, और साहब ने दरवाजा बंद कर दिया झोपड़ी का कि कोई अंदर नहीं आने का। अंदर में साहेब सो गए, सोकर चादर ओढ़ ले, और चादर ओढ़ करके गुप्त हुए। जिस समय गुप्त हुए उस समय जो झोपड़ी की उपली छत थी वो बम विस्फोट की तरह विस्फोट हुआ, वो छत उड़ गई, वो छत उड़ गई, और प्रकाश
प्रकाश बन करके वो चले गए। तो जो प्रकाश निकला था उस प्रकाश को सबने आत्मा समझ करके प्रणाम किया कि गुरुदेव की आत्मा महान महान कार्य करके आज सतलोक में सिधार रही है। सभी शिष्यों ने प्रणाम किया कि धन्य हो, आपने अनेकों को प्रकाशित किया, अनेकों को आपने सहायता की, धर्म में लगाया, सत्संग में लगाया, सबकी आंखों में आंसू आए कि गुरुजी अब पता नहीं कब मिलेंगे। परंतु लड़ाई किसकी है? शरीर की है, लड़ाई तो अभी बंद नहीं है। जब प्रकाश चला गया आसमान में, सबने हाथ जोड़ा, फिर दिखाई नहीं दिया, अलोप हो गया, और फिर दोनों दीन के राजा वीरसिंह देव हिंदू और मुस्लिम बिजली खां पठान, अब दोनों ने बाएं तान दी कि तुम्हारे में ताकत हो तो तुम ले जाओ गुरुजी का शरीर। हाँ? अब युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई किसकी है? शरीर की है। अब लड़ाई शुरू हुई, जैसे ही तीर कमान खंचे, युद्ध का बाजा बजे और तीर कमान खंच गए, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, तुम दोनों गुरु भाई मुझे नहीं पहचान पाए, मैं ना जन्मता हूं ना मरता हूं, और जिस शरीर के लिए तुम लड़ रहे हो वो मेरा शरीर है ही नहीं। तुम पर्दा खोल कर देखो, बाद में तीर कमान, बाद में युद्ध करना, पहले पर्दा खोलो, खोलो पर्दा। है? नहीं है मुर्दा। क्या कहा? खोलो पर्दा, देखो मुर्दा है नहीं, शरीर ने कहीं बतायो मुर्दो, कबीर साहब शरीर ने कहीं बताया और मुर्दो ही जाएंगे। खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था क्यों कर डारी? ये युद्ध अवस्था आपने क्यों की? किस लिए लड़ते हो? पहले पर्दा हटाओ झोपड़ी का। जब दोनों मिलकर के हिंदू मुस्लिम राजा बिजली खां पठान नवाब और राजा वीरसिंह देव दोनों ने झोपड़ी खोली और एक चादर ओढ़ कर जो सोए थे वो सफेद चादर दिखाई दे रही है, और जब चादर को उन्होंने खींचा तो नीचे फूल ही फूल मिला, कबीर साहिब मिले ही नहीं। बोलो सतगुरु साहेब की। अब देखो ये लीला कबीर साहब ने दिखाई, अगर वो चाहते लड़ाना चाहते थे तो लड़ा सकते थे। कबीर साहब ने कभी किसी को लड़ाया नहीं, जीवन भर 120 साल के आसपास संसार में रहे और सबको ज्ञान देते रहे। जो कोई सतगुरु के ऊपर खड़ंग उठाया तो वो अजर अमर रहे, मरे नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। आपने देखा होगा महाभारत में कृष्ण भगवान को तीर लगा और फिर इसके बाद में, चलो छोड़ो महाभारत में लगा कि नहीं लगा हो तो फिर आप कहोगे कि आप महाभारत की बात करते हैं। जब उनके गुरु जी ने छोटे छोटे लड़कों को माफ नहीं किया, यदुवंशी लड़के थे, हम उम्र के लड़के थे, मन में मजाक करने की इच्छा हुई तो एक लड़के को स्त्री का कपड़ा पहना दिया और पेट पर कुछ मान दिया, मुसल होता नहीं खींच कूटने वाला, वो खींच कूटने वाला मुसल बांध दिया और गागरा ओइना पोल का
पहना करके लड़की बना ली और उसको लेकर के किशन भगवान के गुरुजी, क्या नाम है, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि जी के पास ले गए और मजाक करने वाले लड़कों ने पूछा, क्या पूछा कि गुरुजी ऋषि महाराज इस बाई के बच्चा होगा कि बच्ची होगी। तो उन्होंने वो ध्यान किया, ध्यान करने के बाद में उनका ट्रांसफॉर्म गर्म हो गया, क्रोध आ गया। दुर्वासा मुनि इतने क्रोध किए कि मूर्खों तुम हमें मूर्ख बनाते हो, ये तो लड़की ही नहीं है तो क्या इसके लड़का होगा क्या लड़की होगी, ये तो छोरा है। और इतनी एक छोटी सी मजाक पर उन्होंने कृष्ण भगवान के गुरुजी ने इतना क्रोध किया कि जाओ यादवों तुम्हारी पूरी जाति का सत्यानाश होगा, बच्चों को दंडित कर देते कोई बात नहीं परंतु पूरी जाति का सत्यानाश होगा। तो कृष्ण भगवान कोई अलग थे क्या जाति से, तो श्राप तो लग गया। तो कृष्ण जी को भी श्राप लगा, पूरी जाति को, यदुवंशी वंश को, सबको श्राप लगा। ऐसा कबीर साहब ने कहीं भी नहीं कहा, उनको 56 बार मारा था फिर भी किसी को नहीं कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो। साहब ने हंस के यही कहा कि जैसे सोनार सोने की परीक्षा लेते समय सोना को कष्ट देता है, ऐसे आप भी मुझे कष्ट दे रहे हो, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है। पर जो सोना सोलवा होता है उसकी कीमत घटने वाली नहीं है। अब कबीर साहब को जब मारने गए तो साहब ने कहा कि आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हो, ले। यानी कबीर साहब और कृष्ण भगवान में इतना अंतर है, जो तुम रात भर सोचो ना तो भी तुम सतगुरु की होड कोई नहीं करता भगवान, इस निर्णय पे पहुंचोगे आप। ये सतगुरु जो होते हैं साक्षात परमात्मा होते हैं। एक माँ जैसे बच्चे का अनहित नहीं कर सकती अपने पुत्र का, ऐसे कबीर साहब ने सबको अपना पुत्र समझकर किसी को भी श्राप नहीं दिया, किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा है। जब तक 120 साल तक संसार में रहे, लड़ाई मेड़ते रहे। ऐसे हैं सतगुरु।